हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी सबकी में। मैं हूं अनीश, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बॉलीवुड की सुनिधि चौहान के सिंगिंग करियर के बारे में। तो थोड़ा लंबा स्टोरी है फ्रेंड्स, आप सुनिए ज़रूर, क्योंकि उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको पूरा जानना चाहिए। सुनिधि ने अपने करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में कर दी थी और सुनिधि ने कई सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया। लेकिन नन्ही सुनिधि की ज़िंदगी तब बदली जब वो टीवी एंकर तबस्सुम ने उनकी गायिका को देखा और सुनिधि के माता पिता को मुंबई आने के लिए कहा। इसके बाद सुनिधि ने मुंबई आकर दूरदर्शन के सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शो मेरी आवाज़ सुनो में हिस्सा लिया। सुनिधि ने इस शो को जीतकर लता मंगेशकर ट्रॉफी पर कब्जा किया और सुनिधि के लिए संगीत ऑक्सीजन की तरह है फ्रेंड्स। 16 साल की उम्र में ही सुनिधि को राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त में रुकी रुकी सी जिंदगी गाने को मिला, जो उस समय का सुपर हिट गाना साबित हुआ और इसके लिए सुनिधि को 14 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उसमें से 3 में उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने 2 स्टार स्क्रीन पुरस्कार, 2 आइफा पुरस्कार और 1 जी सिने पुरस्कार जीते हैं। सुनिधि बताती हैं कि बचपन से ही लता जी, किशोर दा और उस समय के लगभग सभी नामी सिंगर्स के गाने मुझे अभिभूत करते थे। मैं उनके गाने गाती रहती थी और कोई भी मुझे गाने से नहीं रोक सकता था। मैं अकेले बैठकर घंटों प्रैक्टिस करती थी। तब तो मुझे इतना भी पता नहीं था कि गाना सीखने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। हालांकि अब मैं महसूस करती हूँ कि किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग का अपना महत्व होता है और यह नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि आपको परिष्कृत करती है। संगीत में विविध ट्रेनिंग ना लेने के बावजूद सुनिधि चौहान आज फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी गायकों में शामिल हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करने वाली सुनिधि चुनौतियों से नहीं घबराती और सुनिधि ने अब तक के सफ़र में तकरीबन 3000 से अधिक गाने गा चुकी हैं और इस दौरान सुनिधि ने टेलीविज़न के सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शोज़ को भी जज किया है, जिसमें इंडियन आइडल 5, इंडियन आइडल 6 में वह बतौर जज नज़र आई हैं। और फिलहाल सुनिधि अभी सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शो द वॉइस ऑफ इंडिया में बतौर जज नज़र आई थी। सुनिधि अपने करियर का पूरा श्रेय सिंगर सोनू निगम और अपने पिता को देती हैं। सुनिधि के सबसे पसंदीदा सिंगर लता मंगेशकर हैं और सुनिधि ने एक वक्त पर रेडियो जॉकी में भी काम किया था। सुनिधि चौहान को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो विस्टा का शीर्षक वाओ इज नाउ गाने के लिए नियुक्त किया था। और आपको बता दें कि सुनिधि को बचपन से ही एक्टिंग का शौक है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक है और मुझे एक्टिंग के लिए कई ऑफर मिले, लेकिन मैं अपनी गायिका पर ही फोकस करना चाहती हूँ। हालांकि 1-2 फिल्मों में सुनिधि पर गाना फिल्माया गया है और सुनिधि चौहान अब तक बॉलीवुड की सभी लीडिंग एक्ट्रेस को अपनी आवाज़ दी है। सुनिधि का मानना है कि कोई भी अपनी काबिलियत के बल पर ही सफल होता है। ईश्वर की कृपा से जो भी मेहनत करता है उसे कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलती है। दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुनिधि चौहान जो मुकाम हासिल की उसका कोई जवाब नहीं है। वे आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी सुनिधि चौहान की करियर के बारे में। तो आपको ये जानकर कैसे लगी हमें बताएं, और आप सुनिधि को कितना पसंद करते हैं वो हमें कमेंट करें, बताएं और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दूसरों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही कहानी मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।